हेलो एवरीवन, यूनिट नंबर 1 को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 को हम रिवाइज़ करेंगे, और यूनिट नंबर 1 हमारा जो है वो है एनर्जी सिनेरियो, ऊर्जा परिदृश्य के बारे में। ठीक है, तो देखो इसमें पढ़ना क्या क्या है हमको। यूनिट नंबर 1 में हमें पढ़ना है कि विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, पहले तो ऊर्जा है क्या, ठीक है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, मतलब ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, क्या क्या उसके स्रोत हैं, क्या उसका वर्गीकरण है ऊर्जा के, ठीक है, कितने प्रकार में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद किसी ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है, हमको विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करना है, तो हमारे पास कौन कौन से ऊर्जा के साधन हैं इसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें हम ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऊर्जा के बाद कि हमारे पास जो कुछ ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे आज के डेट में सौर ऊर्जा के स्रोत हैं, पवन ऊर्जा है, टाइडल है, ज्वारी ऊर्जा है, ठीक है, भूतापी ऊर्जा है, ये तमाम प्रकार के हमारे स्रोत हैं, इसके बारे में देखेंगे। और इसमें पढ़ना है आपको उसके बाद कि हमारे पास वैश्विक स्तर पे, अगर मैं बात करूँ दुनिया में एज ए ग्लोबल, तो ऊर्जा के क्या क्या भंडार हमारे पास अभी हैं, और कितने समय तक के हमारे भंडार जो है अभी सुरक्षित हैं, क्या क्या रिजर्व हैं। जैसे बात करें कोयला के, कोयला है, तेल है, कच्चा तेल है, और आपकी जो गैसेज होती हैं, प्राकृतिक गैसेज हैं, ठीक है, इनका क्या भंडारण है, ठीक है, दुनिया के संदर्भ में वैश्विक स्तर पे तथा भारत के स्तर पे भी देखेंगे कि इन कोयले का, प्राकृतिक गैसों का, या विद्युत ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, इनका क्या भविष्य है, क्या इस समय सिनेरियो है, ठीक है, क्या परिदृश्य परिलक्षित हो रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के संसाधन के रूप में, खासकर विद्युत ऊर्जा के संसाधन के रूप में, हम किस प्रकार से दोहन करते हैं, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें देखना है कि जो भी हम ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, तो उसके द्वारा हमारे जलवायु पे, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा इस चीज़ से कि जलवायु पे होने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। जैसे एसिड रेन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ठीक है, ओजोन लेयर का क्षरण है, और हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं, इसके बारे में देखेंगे। फिर भारत में ऊर्जा का हम निर्धारण कैसे करते हैं, क्या उसका मूल्य है, ठीक है, ऊर्जा के मूल्य का निर्धारण कैसे करते हैं, ये एक टॉपिक है। एक टॉपिक आपको मिलेगा क्षमता गुणांक करके, क्षमता गुणांक मतलब कैपेसिटी फैक्टर, उसमें देखेंगे कैपेसिटी फैक्टर होता क्या है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, डिस्कस करते हैं पहले टॉपिक से, ठीक है। अगर मैं ऊर्जा की बात करूँ तो हमको पता है कि किसी भी देश के विकास के लिए, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, हर प्रकार के विकास के लिए ऊर्जा की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ठीक है। और आज की डेट में हम अगर देखें तो अपनी दुनिया का लगभग हम 85% जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो मुख्यतः जीवाश्म ईंधन से, मतलब फॉसिल से, जीवाश्म मतलब जीवों का जो अंश होता है, ठीक है, जो पुरातन लाखों सालों से जो तापी और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, कहते हैं ना कि फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो जीवाश्म है, आज वो हमको ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। तो लगभग 85% जो अपनी ऊर्जा है वो जीवाश्म ईंधन के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो बाकी कुछ ऊर्जा के ऐसे वैकल्पिक स्रोतों की तरफ आज के डेट में देखा जा रहा है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो है वो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है, उसको हम बहुत ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसकी एक लाइफ सेट है, 50 साल या आने वाले 100 सालों तक ही हम जीवाश्म ईंधन का पूर्णतया इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आने वाले समय में हमको ऊर्जा के और भी जो वैकल्पिक स्रोत है उसकी तरफ हमको मूव करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऊर्जा को निम्न मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि क्या क्या हमारे मानदंड हैं, ठीक है, क्या क्या हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। अगर ऊर्जा को हम डिवाइड करें मुख्यतः 3 प्रकार की हमारी श्रेणियाँ हैं, ठीक है, 3 श्रेणियाँ हैं, और तीनों में जो है प्राथमिक ऊर्जा, द्वितीयक ऊर्जा, वाणिज्यिक ऊर्जा, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। देखो तो प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, प्राथमिक मतलब प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक ऊर्जा। जिस ऊर्जा को या जिस स्रोत को, ठीक है, हम डायरेक्ट
प्राकृतिक संसाधनों से सीधे निकाल करके उसको संशोधित उसका दोहन करते हैं, मतलब हम डायरेक्ट उसका दोहन करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा, उसे हम बोलते हैं प्राथमिक ऊर्जा। ठीक है, किसी भी ऊर्जा को जब हम प्राकृतिक रूप से सीधे इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्राथमिक ऊर्जा। और द्वितीयक ऊर्जा की बात करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप के द्वारा दूसरी ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, किसी न किसी प्रोसेस के बाद हम दूसरी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई। कुछ उदाहरण जैसे हमारे पास हैं, जैसे प्रकृति से प्राप्त हमारे पास या तो ऊर्जा होगी, चाहे वो तो अक्षय ऊर्जा के रूप में होगी। अक्षय ऊर्जा मतलब जो कभी क्षय होने वाली नहीं है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। जैसे क्या है, सूर्य का प्रकाश वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, पवन। ठीक है, पवन जो है वो कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, हवा हमेशा चलेगी। ठीक है, ज्वारी ऊर्जा, ज्वारी मतलब जो समुद्र में जो ज्वार और भाटा की क्रिया है वो हमेशा चलती आ रही है, चलती रहेगी। भूतापी ऊर्जा, भूताप मतलब जमीन का ताप, हमेशा सूर्य की रोशनी पड़ेगी, उसका ताप परिवर्तन, उसका ताप कुछ ना कुछ होगा जो खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक रूप से हमको ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, उसको भी हम दो भाग में बांट रहे हैं प्राथमिक ऊर्जा को। एक को हम कह रहे हैं कि अक्षय ऊर्जा, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, जिसको हम नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं, और दूसरी है गैर नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको जो दोबारा जो है प्राप्त नहीं किया सकती, अगर इसका एक बार दोहन कर लिया, जैसे कोयला, जैसे कोयले का हम दोहन कर लिए, या हमने पेट्रोल या डीजल एक बार जला लिया, दोबारा इसका हम दोहन नहीं कर सकते हैं। खासकर प्राकृतिक गैस भी इसमें एक उदाहरण है। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में रखना है कि ऊर्जा का जो पहला वर्गीकरण है वो है प्राथमिक ऊर्जा, और द्वितीयक ऊर्जा में प्राथमिक ऊर्जा जो डायरेक्ट हम प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी प्राकृतिक ऊर्जा ही है। ठीक है, हम पवन को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोयले को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम डीजल को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सब प्राकृतिक संसाधनों से ही प्राप्त हो रहा है, जिसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो प्राथमिक ऊर्जा ही ये ऊर्जा होती है, इसको डायरेक्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी बात करते हैं कि सेकेंडरी ऊर्जा क्या होती है, द्वितीयक ऊर्जा क्या होती है। द्वितीयक ऊर्जा देखो क्या है कि प्राथमिक का रूपांतरण कर देते हैं। जैसे अगर हम कोयले को जलाते हैं या डीजल जलाते हैं तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, हमको भाप मिलता है। ठीक है, तो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिजली है द्वितीयक ऊर्जा, ना कि प्राथमिक ऊर्जा। ये प्रकृति में हमको डायरेक्ट बिजली नहीं मिलती है, डायरेक्ट कहीं से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं प्राप्त करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं किसी न किसी ऊर्जा के द्वारा, चाहे वो नाभिकीय ऊर्जा हो, चाहे वो विद्युत ऊर्जा, चाहे वो तापी भू संयंत्र द्वारा हो, कोयले द्वारा हो, चाहे वो गैस प्लांट हो, चाहे वो डीजल प्लांट हो, ठीक है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, तो हम द्वितीयक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक ऊर्जा से द्वितीयक ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। तो एक कैटेगरी तो हमारे पास ये हो गया। अगली कैटेगरी हमारे पास जो है वो है वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। तो वाणिज्यिक मतलब होता है बेटा कॉमर्शियल, वाणिज्यिक कहते हैं कॉमर्शियल, जिसमें ट्रेड आ गया। ट्रेड मतलब कि लेन देन, किसका, पैसे का लेन देन, रुपये का लेन देन। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि अगर हम किसी ऊर्जा को किसी निश्चित रूल मूल्य पे या किसी निश्चित पैसे में बाजार में उपलब्ध कराते हैं, चाहे बाजार से लेते हैं, उसे कहते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा। ठीक है, और किसी ऊर्जा को अगर हम जिसका हम ट्रेड नहीं करते, जिसका हम व्यापार नहीं करते, जिसमें पैसे का क्रय नहीं करते हैं, चाहे विक्रय नहीं करते हैं, उसमें रुपया इन्वॉल्व नहीं है, तो वो है हमारा गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी हमें बिजली प्राप्त करनी है, एग्जाम्पल, तो हमें कोयला चाहिए, तो कोयला हमें क्रय करना पड़ेगा, हमें खरीदना पड़ेगा, हमें डीजल चाहिए तो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, हमको पेट्रोलियम के जो भी उत्पाद हैं, ठीक है, तमाम उत्पाद पेट्रोलियम के होते हैं, हमें उन्हें क्रय करना पड़ेगा। जैसे प्राकृतिक गैस है, एलपीजी है, एलएनजी है, ठीक है, ये हमको क्रय करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी वाणिज्यिक ऊर्जा है, इसमें दोनों तरह की ऊर्जा आएंगी, प्राथमिक ऊर्जा भी आ सकती है, द्वितीयक ऊर्जा भी आ सकती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम बिजली है, कोयला है, ठीक है, इन सब के लिए हमें पे करना पड़ता है, हमें पैसा देना पड़ता है, इसका हम व्यापार करते हैं, चाहे कारोबार करते हैं। अगर मैं वही गैर वाणिज्यिक की बात करूँ, गैर वाणिज्यिक जो है बहुत छोटे पैमाने पर यूज होता है। जैसे अगर हम कहीं सिंचाई के लिए कुछ पानी उठाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि हम कुछ ने हमने कहीं बायोगैस, कुछ कृषि हमारा अपशिष्ट है, बायो पावर प्लांट है,
ठीक है, उससे हमने कुछ ऊर्जा प्राप्त की, हमने कचरा जलाया, ठीक है, हमने कहीं से कुछ लकड़ी वकड़ी जला ली, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को जो हम घरों में ज़्यादातर जो हमारे ग्रामीण परिवेश में जिस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, जो पारंपरिक रूप से हम इस्तेमाल करते भी थे और आज भी करते हैं खासकर गाँवों में, उन्हें हम बोलते हैं गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। और चूंकि परंपरागत रूप से हम इसका इस्तेमाल पहले से करते आ रहे हैं, इसीलिए इसके ऊर्जा के परंपरागत स्रोत भी कहा जाता है, पारंपरिक ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। तो उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो कि कोई लकड़ी है जो जलाई जाती है, ठीक है, तो और जैसे मान लो कुछ भी हमने कहीं अपना बायो प्लांट लगाया हुआ है किसी अपशिष्ट से, ठीक है, उससे हम अपना गैस जला रहे हैं, तो हम उसके लिए कुछ खरीद तो नहीं रहे, कुछ पे तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो तमाम तरह के उदाहरण जो है वो गैर वाणिज्यिक में आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब ऊर्जा के अगले स्रोत की बात करते हैं, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बताइए, ठीक है। रिन्यूएबल एंड रॉ रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या हुआ, जिसको इसको एक नाम और देते हैं नवीकरणीय ऊर्जा को, अक्षय ऊर्जा। अक्षय मतलब इसका क्षय ना हो, जो ख़त्म ना हो, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसको हम लगातार दोहन करने के बाद भी प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहेगी, उपस्थित रहती है और रहेगी, उसे हम कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। और गैर नवीकरणीय ऊर्जा जिसका क्षय होते जाएगा, जिसका हम प्रकृति में उपस्थित तो है और उसका हम दोहन लगातार कर रहे हैं, तो समय के साथ साथ उसकी मात्रा जो है कम होती जाएगी और एक समय के बाद वो समाप्त हो जाएंगे, उसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसे कहेंगे हम गैर नवीकरणीय ऊर्जा। तो कारण क्या है कि जितने भी गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे कोयला, डीजल या जो भी हमारे कच्चे तेल, प्राकृतिक पेट्रोलियम उत्पाद हैं, ठीक है, गैसेस हैं जैसे ब्यूटेन है, मेथेन है, प्रोपेन है, तो इनको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, ठीक है, ये एक दिन में तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक रूप से ज़मीन में जो गले कुचले चीज़ें हैं उनसे ये तैयार होते हैं, ठीक है। तो आप इतनी जल्दी से इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको लगभग लाखों साल का इंतजार करना पड़ेगा, इसीलिए कहा गया कि इसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, इसीलिए इसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे हमारे पास पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, ज्वारी शक्ति ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है, जिनके द्वारा पर्यावरण पे कोई खास हार्म नहीं होता, किसी तरह कोई नुकसान नहीं होता, वो सभी के सभी जो है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। आप सोलर का इस्तेमाल करते हो, आप टाइडल पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, आप विंड पावर का, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, इससे किसी प्रकार की गैसें नहीं निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करें। वहीं गैर नवीकरणीय ऊर्जा की बात करेंगे तो हम जब जीवाश्म का इस्तेमाल करते हैं तो जीवाश्म के लिए हमको जीवाश्म को जलाना पड़ता है, चाहे वो डीजल है, कोयला है, पेट्रोल है, ये सब चीज़ें हैं, तो उसके क्या होता है कि साथ ही साथ ये बहुत सारी विषाक्त या ऐसी गैसेस निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। तो अब फिर बात ये आती है कि तो ऊर्जा का हमने विभाजन कर लिया तीन प्रकार में, प्राथमिक ऊर्जा, द्वितीयक ऊर्जा, नवीकरणीय गैर नवीकरणीय, और वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोतों के बारे में, ठीक है। अगर अब हम बात करें कि सौर ऊर्जा एक प्रकार का अक्षय ऊर्जा है, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सौर ऊर्जा के बारे में बताओ और सौर ऊर्जा के उपयोग, इसको उपयोग करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जो तरीके हैं कि सौर ऊर्जा को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बताओ, क्या इसके लाभ हैं और क्या इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या इसके कुछ रुकावटें हैं या क्या इसकी हानियाँ नहीं कह सकते हो आप, ठीक है, क्या इसके लिमिटेशंस हैं उसके बारे में आप बताओ, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो तो सौर ऊर्जा की बात करते हैं, देखो तो सौर ऊर्जा किस प्रकार के ऊर्जा का एग्जाम्पल है, ये एक अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, ठीक है। और चूंकि हम आदिकाल से मतलब पुराने समय से ही परंपरागत तौर पर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते आए हैं, ठीक है, जो हम ही नहीं, इंसान ही नहीं, जो पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, बैक्टीरिया हैं, कुछ भी जीवन में जो भी प्राणी हैं, इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी हैं, वो सभी में सभी किसी न किसी रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग करते आए हुए हैं, ठीक है।
तो साथ ही साथ आज के समय में जो सरकार की भी योजना है कि हम अपनी जो हमारी जो डिपेंडेंसी है, जो भी हमारी निर्भरता है, वो कच्चे तेलों पे है, कोयले पे है, उसको हम शिफ्ट करें धीरे धीरे सौर ऊर्जा की तरफ, ठीक है। और सौर ऊर्जा का अधिकाधिक इस्तेमाल करके हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके तहत सौर मिशन भी चलाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। अब इसका उपयोग किया जाता है, अगर मैं बात करूँ कि एक एग्जाम्पल दूँ कि ऐसे प्लांट है, कोई पौधा है, ठीक है, तो पौधे को अगर भोजन बनाना है अपने लिए, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो भी उसके लिए, और उसके लिए जल जल की भी आवश्यकता है और सौर ऊर्जा की भी आवश्यकता है। तो सौर ऊर्जा के उपयोग से ही पौधों का प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, जिससे वो भोजन बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए उनको जल भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके साथ साथ और भी क्या क्या उपयोग हैं, जैसे हमें पानी गर्म करना है, ठीक है, तो हमें वाटर हीटर की ज़रूरत है, तो हम सोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें भोजन बनाना है, ठीक है, तो हम सोलर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हमें बिजली चाहिए तो सोलर पैनल के द्वारा सोलर लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए, ठीक है। तो और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम सोलर पावर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी कुछ कुछ इसमें कमियां हैं, इसके द्वारा इसको हम बड़े व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसको हम आगे देखेंगे कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम इसका लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बट ये तो निश्चित है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो घरेलू हैं चाहे वो इंडस्ट्रियल हैं, हम सोलर सेल के द्वारा, सोलर कुकर के द्वारा, सोलर पावर के द्वारा, सोलर पैनल के द्वारा तमाम तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इससे हमें ऊर्जा, हमें गैस की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, ठीक है, और जो भी ऊर्जा के कोई साधन ऐसे हैं जिसके द्वारा पर्यावरण की हानि होती है, हम सबकी बचत कर पाते हैं, ठीक है। तो इस पे हम देखेंगे कि क्या क्या आपके एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन मतलब क्या क्या उपयोग है या वो अनुप्रयोग है उसके, तो देख लो यार क्या क्या प्रयोग है। आपको पता ही, अभी जो मैंने बताया कि सोलर कुकर है, ठीक है, ये वाला पढ़ लो, सोलर कुकर है, ठीक है। आजकल तो एयर कंडीशनर भी आने लगे हैं, ठीक है, तो सोलर कुकर, पानी गर्म करना है, ठीक है, सौर से पानी गर्म कर सकते हैं, एयर कंडीशनर है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, सोलर लाइट है, जिसका हम अनुप्रयोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम में हम इस चीज़ पे काफ़ी अनुसंधान भी हो रहा है कि कैसे सौर ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाया जाए। एक लिमिटेशन यही इसके साथ है कि इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसमें करंट जो है बहुत कम प्राप्त होती है, या कह लो इसकी क्षमता बहुत कम होती है। तो इस पर अनुसंधान हो रहा है कि कैसे सोलर पावर की क्षमता को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो अगर ये बढ़ता है तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए बूस्टअप होगा। तो इसके तमाम अनुप्रयोग यही सब चीज़ें हैं कि हमको टेम्परेचर को बढ़ाना है, हमें पानी गर्म करना है, ठीक है, और अगर हमें कोई सौर वाहन का इस्तेमाल करना है तो इसकी तरफ हम चल सकते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सोलर कुकर द्वारा। तो तमाम इसके अनुप्रयोग हैं, ठीक है। चलो देखो, सोलर, अगर मैं बात करूं कि सौर ऊर्जा की क्षमता के बारे में, कि कैसे सोलर की क्षमता को हम, क्षमता मतलब कैसे कम्प्लीटली हम इसको यूटिलाइज कर सके, कैसे इसका पूर्णतया हम इस्तेमाल कर सके, तो मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया था कि जैसे अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो ये होती है भूमध्य रेखा, ठीक है, और ये होती है कर्क रेखा, ये होती है मकर रेखा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो भारत का स्थान है वो करीब कर्क रेखा भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो ये भारत का वो वाला हिस्सा है, ये भारत मान लो है, तो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, और सूर्य का प्रकाश इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में बराबर रहता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य जो है इसी के बीच में इवॉल्व भी करता है, कर्क रेखा से मकर रेखा। तो भारत के पास या किसी ऐसे देश के पास जो जो भूमध्य रेखा के आसपास है, जहाँ सूर्य की किरणें वास्तविक रूप से पड़ती हैं, तो हमारे पास क्या तरीका है कि हम सूर्य की क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकें। तो दिमाग में आता है क्यों ना हम सूर्य के प्रकाश को या सूर्य से होने वाले विकिरण को हम स्टोर कर सकें, और इसी के कॉन्सेप्ट के साथ आता है से एक कॉन्सेप्ट सोलर सेल का, ठीक है, सोलर पैनल का या सोलर सेल का, ठीक है। हमको पता है कि रात के समय में सौर से विकिरण जो है पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है, अगर मौसम हमारा कुछ क्लाउड है, ठीक है, कोहरा है, तो भी नहीं पहुंच पाता है।
तो सोलर सेल का इस्तेमाल हम करके, सोलर सेल को हम इस्तेमाल करने के बाद उसका हम यूज करेंगे तो इससे इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आम तौर पर हम ये भी करते हैं कि क्या करते हैं, क्षमता को बढ़ाने के लिए सोलर पैनल को, अगर हम आपके पास घर है तो आप क्या कोशिश करोगे उसकी कंप्लीट क्षमता को यूज़ करने के लिए, आप सोलर पैनल को अपने छतों पे रखोगे, ठीक है, ना कि अपने कमरे में या चाहे बाहर रखोगे, ठीक है, बरामदे में नहीं रखोगे। आप सोचोगे सोलर पैनल का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब हो पाएगा तो वो छतों पे होगा। तो क्षमता मतलब यही है कि जो भी ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो भी भौगोलिक स्थिति है किसी भी देश की, ठीक है, जो भूमध्य रेखा के आसपास हैं वहाँ पे वो सौर विकिरण हमको आसानी से मिलता है, और अगर जहाँ पे नहीं भी है तो हम सोलर सेल का इस्तेमाल करके उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है, मतलब इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिलहाल इतना ही है सोलर के बारे में, आगे लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कि क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या इसके लाभ हैं, क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।